आज हम देखने वाले हैं सेम फोर के यूनिट टू में से एक चैप्टर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मोमेंट्स क्यूनेस एंड कूटोसिस। चैप्टर नेम इज फर्स्ट मोमेंट्स क्यूनेस एंड कूटोसिस। आज हम जो देखने वाले हैं वो फ्रेंड्स हम आज मोमेंट्स के बेसिस पर हम आज देखने वाले हैं इसके फॉर्मूलेस एंड ऑल। आज हम तो सबसे पहले आज हम मोमेंट्स चालू करने वाले हैं। पहले मैं इसका सबको आपके इसके सारे स्टेटमेंट्स एंड डेफिनेशंस जो भी है वो सब बता देती हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स हमारे पास थ्री टाइप्स के मोमेंट्स होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोमेंट्स। फर्स्ट वन इज मोमेंट अबाउट ओरिजिन। सेकेंड वन इज मोमेंट अबाउट कॉन्स्टेंट ए एंड थर्ड वन इज अबाउट मोमेंट अबाउट मीन। सबसे पहला फ्रेंड्स जो है हमारा मोमेंट अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन मीन जीरो के यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा जो हम मोमेंट हम निकालते हैं म्यू फोर तक, एम वन एम टू एम थ्री एम फोर तक हम निकालते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट मोमेंट रहेगा अबाउट मेन, वो हमारे पास फर्स्ट मोमेंट अगर हम निकालेंगे अबाउट मेन का, इसका मैं ओरिजिन बोल रही हूँ, एंड ओरिजिन ओरिजिन का अगर हम निकालेंगे फर्स्ट मोमेंट तो हमें मिलेगा सबमिशन ऑफ एक्स अपॉन एन। ये हमारा मोमेंट वन रहेगा। एंड सेकेंड वन जो हमारा रहेगा मतलब मोमेंट टू, वो हमारा रहेगा सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन एज इट इज एंड सो ऑन। सबमिशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एन हमारा मोमेंट थ्री रहेगा, सबमिशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एन। लेकिन अगर फ्रेंड्स अगर हमें इसमें अगर फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड किया रहेगा तो हमारा जो एम वन रहेगा, इफ हमें फ्रीक्वेंसी दिया तो हमारा एम वन जो रहेगा वो सबमिशन ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एन, एम टू हो जाएगा हमारा सबमिशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन सबमिशन ऑफ एफ कैपिटल एन, इधर मीन सबमिशन ऑफ एफ ही होता है, एंड जो सबमिशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्यू अपॉन सबमिशन ऑफ एफ। तो ये हमारा अगर फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड किया देगा तो नेक्स्ट वन अगर हमें कॉन्स्टेंट दिया रहा, सेकेंड वन इज अबाउट कॉन्स्टेंट, तो हमारा अज्यूम मीन हम इसमें लेते हैं ए मत कॉन्स्टेंट ए का मतलब हमें होता है अज्यूम मीन, एंड अज्यूम मीन मतलब हमें एक्स माइनस ए इज इक्वल टू डी, वेयर एक्स ये हमारा ए जो रहेगा वो एक्स बार रहेगा, हम एक्स बार निकालते हैं सबमिशन ऑफ एक्स अपॉन एन, तो हमें ये डी मिलता है। तो हमें हमारा जो ए रहता है वो एक्स बार रहता है, एंड एक्स बार का फॉर्मूला हमें पता ही है समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन होता है। तो यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए अगर हमें म्यू वन अगर हम देखते हैं तो हमें म्यू वन का वैल्यू मोमेंट म्यू वन डैश हम यहाँ पर लेते हैं, तो हमें यहाँ पर समीशन ऑफ डी अपॉन एन लेना होगा। और अगर हमें एज इट सेम एज इट इज अगर हमें फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड किया रहेगा तो हम म्यू वन डैश हमें क्या लेना है समीशन ऑफ एफ डी अपॉन एन मीन समीशन ऑफ एफ। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, हमें सेंट्रल मोमेंट में सबमिशन ऑफ ये म्यू वन जो रहेगा मोमेंट वो हमेशा जीरो मिलता है म्यू वन डैश। सेकेंड यहाँ पर हमें म्यू टू डैश सेम हम सबमिशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन, एंड हियर सबमिशन ऑफ म्यू टू डैश इज सबमिशन ऑफ एफ डी स्क्वायर अपॉन सबमिशन ऑफ एफ। फ्रेंड्स ये इस बार का मैथ्स बहुत ही स्कोरिंग है कॉस्ट, तो जस्ट इसमें फॉर्मूला है वो भी बहुत ही मतलब सिंपल टाइप के फॉर्मूला, अगर आपको याद है तो टेबल जैसे आपको प्रोवाइड किए रहते हैं या तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आपको क्या ये सब प्रोवाइड किया था तो आपको डायरेक्टली बस मोमेंट फाइंड करने का रहता है, तो ये बहुत ही स्कोरिंग है तो इसे प्लीज स्किप मत कीजिए। सेम हमें यहाँ पर म्यू थ्री डैश के लिए हमें सबमिशन ऑफ डी क्यूब अपॉन एन, एंड यहाँ पर सेम म्यू थ्री डैश के लिए हम सबमिशन ऑफ डी क्यूब अपॉन एफ डी क्यूब सॉरी ऑन सबमिशन ऑफ एफ। नाउ हमें मीन के लिए थर्ड वन हम देखते हैं फ्रेंड्स, थर्ड वन है अगर हमें मीन के लिए बोला जाए तो हमारा फर्स्ट मोमेंट जो रहता है मीन के लिए, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखें मोमेंट अबाउट ओरिजिन के लिए हम एम वन लिखते हैं, मोमेंट अबाउट अगर आपको कांस्टेंट फाइंड करने के लिए बोला तो आप म्यू वन डैश म्यू टू डैश म्यू थ्री डैश एंड म्यू फोर डैश ऐसे फाइंड करेंगे, लेकिन जब आपको मोमेंट अबाउट मीन फाइंड करने बोला तो आप म्यू वन देंगे। ये हमारा मेन मतलब म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री म्यू फोर हम ऐसे फाइंड करते हैं। तो हमारा फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन जो रहेगा वो हमारा रहेगा सबमिशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार
अपॉन एन। सेम अगर हमें म्यू टू सबमिशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन द होल स्क्वायर, म्यू थ्री हमें सबमिशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार क्यूब अपॉन एन। तो ऐसे आपको यहाँ पर डिफरेंशिएट किया गया है। यहाँ पर आपका ओरिजिन के लिए आप m1 यूज़ करेंगे, कांस्टेंट के लिए आपको म्यू वन डैश म्यू टू डैश यूज़ करना है, एंड अबाउट मीन के लिए आपको म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री ऐसे फाइंड करना है। तो अभी हमें जब सेंट्रल मोमेंट फाइंड करने के लिए बोला अबाउट आर्बिट्री पॉइंट, तो हम कैसे लेंगे, यहाँ पर भी फॉर्मूला है। देखिए आपको यहाँ पर अगर आर्बिट्री पॉइंट यहाँ पर म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री फाइंड करने बोला, तो आप म्यू वन कैसे निकालेंगे। म्यू वन ऑलवेज, मैंने आपको बताया सेंट्रल मोमेंट म्यू वन हमेशा हमें जीरो ही मिलता है, तो म्यू वन आपका जीरो रहेगा ऑलवेज। एंड यहाँ पर म्यू टू जो है उसका फॉर्मूला, फ्रेंड्स इसके फॉर्मूले भी बहुत ही सिंपल है कि म्यू टू का आपको क्या रहेगा, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर। म्यू थ्री के लिए हमें मोमेंट फाइंड करने का था, तो अगर आपको यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया है, अगर आपको ये प्रोवाइड नहीं किया है एक्स एक्स बार, तो यहाँ पर जो आपका म्यू वन डैश, अगर आपको ये सब दिया रहेगा कॉन्स्टेंट, ये म्यू वन म्यू टू डैश आपको दिया रहेगा, तो आपके लिए ये फाइंड करना बहुत ही आसान रहेगा सेंट्रल मोमेंट। तो डायरेक्ट हमारे पास ये फॉर्मूला प्रोवाइड है। म्यू थ्री के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो है म्यू थ्री डैश माइनस थ्री म्यू वन डैश म्यू टू डैश प्लस टू म्यू वन का क्यूब। सेम हमारे पास ये फॉर्मूला है, यहाँ पर म्यू वन स्क्वायर ले, यहाँ पर हमने क्यूब ले लिया। म्यू फोर के लिए सबसे पहले जो है उसका हम यहाँ पर डैश लेंगे, म्यू फोर डैश माइनस फोर म्यू वन डैश म्यू थ्री डैश प्लस सिक्स म्यू टू डैश एंड म्यू वन का स्क्वायर, म्यू वन डैश का स्क्वायर एंड माइनस थ्री म्यू वन, यहाँ पर हमने क्यूब लिया तो यहाँ पर हम इधर रेस टू फोर ले लेंगे। और एक फ्रेंड यहाँ पर एक और फॉर्मूला बीटा का है, बीटा का मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ, इसे हम कार्ल्स पियर्सन बीटन गामा कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको पहले बीटा बताती, मतलब इसमें से क्वेश्चन आता है कि हमें कूटोसिस फाइंड करने के लिए रहते हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे। पहले मैं आपको मोमेंट बता रही हूँ, इसलिए मैं बस उसका फॉर्मूला आपको लिख करके दे देती हूँ कि हमारा बीटा वन जो रहता है वो म्यू थ्री स्क्वायर अपॉन म्यू टू का क्यूब, एंड बीटा टू जो रहता है वो है म्यू फोर अपॉन म्यू टू का स्क्वायर। इसमें हम स्क्यूनेस और कूटोसिस फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको मोमेंट्स के बस स्टेटमेंट्स वगैरह बताए हैं, हम नेक्स्ट अपने वीडियो में इसके प्रॉब्लम्स वगैरह देखेंगे, एंड स्क्यूनेस एंड कूटोसिस का भी मैं आपको स्टेटमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक वगैरह सब दे दूंगी। तब तक के लिए आप ये फॉर्मूला वगैरह देखिए, एंड इससे अच्छे से मतलब रिफर कर लीजिए, अच्छे से मालूम कर लीजिए, ताकि मैं आपको जो प्रॉब्लम समझाऊँ तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। एंड फ्रेंड्स ये बहुत ही स्कोरिंग है, तो प्लीज़ इसे लेफ्ट मत कीजिए, स्किप मत कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।